अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नर्ड मैग। आज हम रिव्यू करने लगे हैं हुआवे Y9A का। ये फ़ोन जो है लास्ट वीक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ विद द प्राइस टैग ऑफ 44,000 रुपीज़। इस फ़ोन में कुछ बहुत मज़े के फीचर्स हैं, लेकिन आज हम इसको फुल रिव्यू में देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है, उसकी हर चीज़ किस तरह चलती है। मैं आपको बहुत जल्दी इसके कुछ स्पेक्स बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि लाइक हम इसको किस कैटेगरी के अंदर रखते हुए डील करेंगे। ये फ़ोन जो है हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8GB रैम है एंड 128GB का स्टोरेज है। इसके साथ साथ इसमें फुल व्यू डिस्प्ले है, जिसके साथ आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है विच इज 16 मेगापिक्सल। इसका जो बैक है दैट इज 64 मेगापिक्सल, और आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसका डिज़ाइन जो है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हुआवे मेट 30 प्रो। आपने ये बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन उसमें भी देखा होगा। इसकी जो स्क्रीन है दैट इज 1080p और 6.67 इंचेस का इसका साइज़ है। उसके साथ साथ आपको एक इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है राइट साइड पे, विच इज़ इन बिल्ट इन द पावर बटन। फ़ोन जो है वो टाइप सी है, और साथ ही साथ आपको एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ एक 40W चार्जर आता है जो इसको 0 to 70% चार्ज करता है इन ओनली 30 मिनट्स। अगर हम इस फ़ोन के प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो 45,000 के टैग के इर्द-गिर्द हमें काफ़ी सारी डिवाइसेज मिलती हैं जो इससे बेहतर भी हैं, इससे नीचे भी आ जाती हैं। इसमें हमारे पास रेडमी नोट 9 प्रो आ जाता है, इसमें सैमसंग का A51 आ जाता है, और अभी एक अपकमिंग फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से 08, लेकिन ऑब्वियसली जब वो लॉन्च होगा तो हम तब से कंपेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग आपको इसको अपकमिंग डेफिनेटली एक A51 और रेडमी नोट 9 के साथ भी इसका कंपैरिजन देंगे कि ये तीनों फ़ोन्स इसी प्राइस बजट में किस तरह परफॉर्म करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा अपकमिंग रिव्यू जो होगा उसको ना मिस करें, और मेक श्योर कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। हम रिव्यू को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन की। इस फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो जनरली आपको बैक से पता चल रहा होगा, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम हुआवे मेट 30 प्रो। इसके पीछे एक हमारे पास क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें आपको एक कैमरा बम्प भी देखने को नज़र आता है। तो इसको हम टेबल पर रखते हैं तो ये फ़ोन इतना वॉबल तो नहीं करेगा, लेकिन आपके पास एक यहाँ पर कैमरा बम्प है, लेकिन जब इसको आप अपने कवर के साथ लगाते हैं तो वो बम्प फिर ख़त्म हो जाता है। अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन पूरा आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। फुल व्यू डिस्प्ले में आपके पास कोई भी कैमरा कटआउट वगैरह कुछ भी नहीं होता, और इसका जो सेल्फी कैमरा है दैट पॉप्स अप फ्रॉम द टॉप। उसके साथ साथ इसमें एक और मजे की चीज़ थी मुझे जो अच्छी बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ द साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें मेरी प्रेफरेंस ये है कि ये स्कैनर आप कभी मिस नहीं करते। जब स्कैनर बैक पे होते हैं तो आपकी उंगली आगे पीछे लग जाती है, लेकिन ये हमेशा आपके थंब पे आता है तो ये कभी मिस नहीं होता। तो उसके हिसाब से भी इसका ये आई थिंक एक डिज़ाइन एस्पेक्ट से काफ़ी मज़े की चीज़ मुझे लगती है। उसके साथ साथ हमारे पास बॉटम पे हमारा सिम ट्रे है, और हमारे पास हमारा टाइप सी पोर्ट है, और स्पीकर्स हैं। टॉप पे हमारे पास हमारा हेडफोन जैक भी है, 3.5mm का जैक भी साथ आपको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे हमारा कैमरा साथ में, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द डिज़ाइन। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है दैट इज़ 6.63 इंचेस, अ 1080p पैनल विच इज़ IPS। अगर मैं इसके कलर्स वगैरह की बात करता हूँ, मेरे ख्याल से तो मुझे हमेशा से हुआवे का एक एक कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लगी है, और इनकी लाइक यूजुअली ब्राइटनेस वगैरह ये सब भी अच्छी होती है बिकॉज दे यूज़ IPS पैनल्स। लेकिन इसमें अब हमें ये चीज़ देखनी है कि इस प्राइस पॉइंट के हवाले से हमारे पास काफ़ी फ़ोन्स अब आ रहे हैं जिनमें AMOLED स्क्रीन्स आ रही हैं, और मेरी हमेशा से प्रेफरेंस ये है कि AMOLED स्क्रीन्स ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स। कलर उनके कंपैरिजन बहुत अच्छे होते हैं, और उनकी ब्राइटनेस भी काफ़ी बेटर होती है, सनलाइट रीडेबिलिटी अच्छी होती है, और उनका जो ब्लैक होते हैं दे आर वेरी प्योर। तो उस हिसाब से AMOLED स्क्रीन विल ऑलवेज बीट IPS, लेकिन देन अगेन ये पैनल भी आई थिंक आफ्टर दैट सबसे बेस्ट यही है। इसके साथ साथ सिंस इसकी स्क्रीन जो है दैट इज़ अ फुल व्यू पैनल, तो अगर आप कोई भी गेमिंग वगैरह करते हैं कुछ भी, तो कोई भी चीज़ स्क्रीन में आपको इंक्लूड नहीं कर रही होती, कोई भी गेम का कोई भी हिस्सा कट नहीं हो रहा होता, तो यूजली हमारे कटआउट्स वगैरह में इस तरह चीज़ों में नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा इसके जो बेजल्स हैं वो तीन साइड से तो बहुत यूनिफॉर्म है, और सिर्फ बॉटम पे आपको थोड़ी सी चेंज देखने को मिलती है, लेकिन वो भी इतनी नोटिसेबल नहीं है, और ओवरऑल जो इसकी स्क्रीन है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्नैपी, और मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी लगी है। जैसे ही आप देख रहे हो मैं इस पर अपने फिंगर रखता हूँ तो ये फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है। इस फ़ोन में एक चीज़ है जो आपको मिसिंग लगेगी, इन दैट इज़ फेस अनलॉक, जो आजकल काफ़ी कॉमन है, लेकिन सिंस इस फ़ोन का जो कैमरा है दैट इज़ अ पॉपअप कैमरा, तो मेरे ख्याल से वो बार बार उसका खुल बंद होना एक हर्डल ही होता, तो इस फ़ोन में फेस अनलॉक आपको नहीं मिलता है, एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलता है। तो यार अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं अब हुआवे डिवाइसेस को लेकर कि क्या इसमें गूगल सर्विसेज चलती हैं, तो द आंसर इज़ नो। ठीक है, हुआवे के फ़ोन में गूगल सर्विसेज नहीं आती हैं, आपको इसमें गूगल के ऐप्स वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं, और अगर आपका सबसे बड़ा एक फीचर ये होना चाहिए कि इसमें सर्विसेज गूगल की मौजूद हों, तो देन दिस फ़ोन इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे इसमें गूगल सर्विसेज नहीं और ये फ़ोन बिल्कुल ही बेकार है उसके बाद, तो ऐसा नहीं है।
इसमें आप सारी ऐप्स हर चीज़ वगैरह एपीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। हुआवे ने इसमें अपना एक फीचर दिया हुआ है पेटल सर्च के नाम से, जो आपको हर जगह से हर एपीके ला के दे देता है और आपको वो इंस्टॉल करके दे देता है। इसमें जो इशू उसके बाद मैंने जो चीज़ देखी वो ये था कि जो ऐप्स या जो गेम्स गूगल प्ले सर्विसेज पे चलती हैं, जैसे आपके अक्सर गेम कहते हैं कि इसमें गूगल प्ले सर्विस का वो आपका जो ऐप होता है आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उस तरह के गेम्स या ऐप इसमें नहीं चलती। लेकिन उसके अलावा आपकी कोई भी ऐप है, आप किसी भी ऐप गेम का एपीके इंस्टॉल करते हैं, वो इस पर चलता है, इट इज़ स्टिल एंड्रॉयड। अगर हम इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड 10 पे रन करता है, जिसके ऊपर हुआवे की जो अपनी स्क्रीन होती है EMUI उसका वर्जन 10.1 पे चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली आपको हुआवे का वही टिपिकल एक्सपीरियंस इस फोन में भी देखने को मिलता है। इस फोन की जो बैटरी है दैट इज़ 4300 mAh, और शायद मैंने आपको पहले 5000 में बोला था, लेकिन 4300 mAh की बैटरी, माई बैड। लेकिन इस फोन की सबसे मजे की चीज़ ये है कि सिंस आपको जो 40 वॉट का चार्जर मिलता है, एंड आई वुड स्टिल एम्फसाइज ऑन दैट, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये फ़ोन 0 to 70 चार्ज होता है सिर्फ 30 मिनट्स में, एंड ट्रस्ट मी ये इतना तेज़ है कि आप अपना फ़ोन कहीं लगा कर जाते हैं वापस आते हैं और आपका फ़ोन ईजीली 30 to 40% पे होता है और आपका दिन आराम से गुजर जाता है। तो उसके और सिंस अगेन आपको इसमें एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलती है, जो कि हुआवे शुरू से करता आता है, आप उसको अच्छा खासा ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से बहुत अच्छी बैटरी मिल जाती है। अगर हम लोग ओवरऑल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो इनका है काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, और सिंस हमारे पास 8GB रैम भी है तो आप लोग अच्छी खासी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐप के साथ खुली भी होती हैं और इसमें स्प्लिट स्क्रीन विंडो भी होती है, तो अच्छी खासी आपको इसमें चीज़ें करने को मिल जाती हैं, और आपकी बैटरी और अगेन रैम जो है अच्छा खासा रोल प्ले करती है इसको टोटली यूटिलाइज करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की अगेन जो एप्लीकेशंस वगैरह की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने काफ़ी सारी गेम्स की भी हैं, जो आजकल आप जैसे पबजी हो गई, अमंग अस बहुत मशहूर हो गई है, तो ये सब गेम हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। अब इसमें अगर जैसे मैं सबवे सर्फर खोलता हूँ, तो सबवे सर्फर खुलते इसमें आपको सामने वो एरर चलेगा कि गूगल प्ले सर्विस आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है, और ये आप इंस्टॉल कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इस फोन में सर्विस गूगल की नहीं आती है ऑब्वियसली। तो उसके अलावा अब ये गेम इस तरह के कोई भी गेम जो गूगल प्ले सर्विस के ऊपर चलते हैं ये आपके पास नहीं चलेंगे। इनमें से एक और गेम है जियो सिटी, जो मैं कभी कभी खेलता था, तो वो इस फ़ोन पे नहीं चलता है। इसके अलावा अमंग अस हम लोग इस फ़ोन पे हमने बहुत खेला, पबजी मोबाइल इस खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम इस पे चलती है। तो इस तरह के काफ़ी डिफरेंट मुख्तलिफ गेम्स हैं जो गूगल प्ले सर्विसेज रिक्वायर नहीं करते, वो सारे इस डिवाइस के ऊपर बहुत ईजिली चल सकते हैं और बहुत अच्छे भी चलते हैं। अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इस फ़ोन का जो चिपसेट है दैट इज़ हीलियो G80। ये एक गेमिंग चिपसेट है और आपके डे टू डे यूजेज में बहुत आपको ईजिली हर चीज़ करने देता है, आपको लैग्स नहीं नज़र आते हैं, चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहता है, इसकी बैटरी ड्रेनेज भी इतना कोई बैड नहीं है, और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जो आपको इस प्राइस में देखने को नज़र आ रहा है। जो आजकल की गेम है जो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस उस पर चलती हैं, जैसे पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फोर्टनाइट है, ये गेम इस फ़ोन पे मीडियम टू हाई ग्राफिक्स में इजीली चल जाती हैं, और अगेन हमारे पास 8GB की रैम है तो कोई इशू नहीं होता इस फोन में गेम चलाने के लिए। गेमिंग चिपसेट भी हमारे पास इसमें मौजूद है, और अगर आपको होता है कि बीच में कभी भी आपकी बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई है, तो आप लोग ऑब्वियसली आपको 40W की चार्जिंग साथ मिलती है, तो आप चार्ज फोन को कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है कि जब आप फ़ोन को साथ चार्ज करते हो गेम खेलते हो, तो फ़ोन आपका अच्छा खासा हीटअप हो जाता है, आपको पता चल रहा होता है कि फ़ोन गर्म हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको आप फ़ोन रख के 10 मिनट भी चार्ज करते हैं, तो आपका फ़ोन ईजिली 30 to 40% चार्ज हो जाता है। तो इस बात से आपको ये नहीं घबराना कि इस फ़ोन में कोई हीटअप का इशू वगैरह है, मैं से बात ये कर रहा हूँ कि अगर एक 40W की चार्जिंग आपके फ़ोन में लगी हुई है और आप साथ साथ उस पर गेम भी खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत हीटअप तो मिलेगा, आई थिंक विच इज़ प्रीटी नॉर्मल। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हुए अगर अपना फ़ोन साइड पर रख दें तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू डू, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बोले इस फोन का इशू वगैरह है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस फोन के जो स्पीकर्स हैं वो भी काफ़ी डिसेंट हैं, इसका जो ईयर पीस है उसमें मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आया, कॉलिंग करते हुए कहीं पे भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है। लेकिन इसमें एक और मजे की चीज़ है विच इज़ द पार्टी मोड, जो आप हुआवे के आपको यूजली हर फोन में नज़र आ रहा होता है, जिससे आप हुआवे के डिफरेंट फ़ोन लिंक करके एक ही गाना साथ साथ सब चला सकते हैं, तो वो भी काफ़ी मज़े का एक सीन बन जाता है। अब हम बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन हाईलाइट की, दैट इज़ द कैमरा। इस कैमरे का जो मेन सेंसर है दैट इज़ 64 megapixels, उसके बाद आपको 8 megapixels का वाइड एंगल लेंस मिलता है, एंड देन यू हैव 2 and 2 megapixels के डेप्थ सेंसर एंड अ मैक्रो लेंस। इसका जो कैमरा इस तक मज़े की चीज़ ये है कि आपको जो चार लेंस मिलते हैं, इसमें आपका जो वाइड एंगल लेंस है ये आपको यूजली आजकल हर कोई नहीं दे रहा,
क्वाड कैमरा सेटअप से बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उनमें एक टेलीफोटो लेंस आपको मिल जाता है लेकिन वाइड एंगल नहीं मिलता। और इसका जो वाइड एंगल है, सिंस इट्स 8 मेगापिक्सल, तो अगर आपको अच्छी लाइटिंग वगैरह है तो आपको काफ़ी अच्छा क्रिस्पी रिजल्ट भी देखने को नज़र आ जाता है। इसके साथ साथ कैमरे का एक बहुत डिसेंट फ्लैश भी है, और सिंस इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है लेकिन इसका जो मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, वो इतना अच्छा है कि आपको अच्छा खासा डिजिटल जूम भी करने के बाद आपकी इतनी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है जैसा कि हमने पहले हम लोग कैमरा में देखते रहते। तो अब लाइक आपको वो चीज़ में अच्छा खासा आप जूम करके भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। वैसे तो हमने हर जगह इसमें यही नज़र आ रहा है कि ये फ़ोन जो है 4K 60fps की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से समवेयर सॉफ्टवेयर बग है क्योंकि हमारे पास 1080p से ऊपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन GSM मरीना पे भी, इवन के ऑफिशियल पेजेस पे भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इस फोन के कैमरा में आपको साथ साथ एक ब्यूटी मोड भी मिलता है और एक नाइट मोड भी मिलता है, जिसका रिजल्ट मोर और लेस अच्छा ही है आपको, लेकिन अगेन थोड़ी बहुत अगर आप बहुत ही पिच डार्क इसमें बैठे हुए एनवायरनमेंट में तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लाइट है तो आपको नाइट में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने में नज़र आ जाते हैं। फोन का जो फ्रंट कैमरा है, विच इज़ अ पॉपअप कैमरा, आप लोग देख सकते हैं, ये एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर है इसमें लगा हुआ, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया। उसके रिजल्ट वगैरह बहुत डिसेंट हैं, अगर आपकी अच्छी लाइटिंग वगैरह है तो बहुत सुपर क्रिस्प तस्वीरें आपकी आती हैं और लो लाइट में भी इतना बुरा परफॉर्म नहीं करता ये। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ कैमरा सैंपल भी देख सकते हैं जो हमने इसके लिए हुए हैं, बोथ डे एंड नाइट मोड में। तो यार अगर हम इस फोन को कंक्लूड करते हैं कि ये फोन ओवरऑल अपनी प्राइस टैग के लिहाज से कैसा है, तो आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी गुड फोन। ठीक है, अगेन मैं अभी बात करूँगा, अगर आपको गूगल प्ले सर्विसेज का इशू नहीं है तो यू शुड कंसिडर गोइंग फॉर दिस फोन, एंड सिंस इफ यू आर अ हुआवे डाई हार्ट फैन, जो कि काफ़ी लोग सारे होते हैं, तो देन इट इज़ अ मस्ट बाय। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसकी फील बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका चिपसेट वगैरह बहुत अच्छा है, बैटरी बहुत अच्छी है, 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको साथ मिलती है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज। और मेरे ख्याल से अगर आपको हुआवे पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस फोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फोन का कंपैरिजन देखने के लिए सैमसंग A51 और रेडमी के साथ, तो प्लीज़ मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जल्द ही हम इन फोन्स का कंपैरिजन भी अपलोड करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें प्लीज़ कमेंट से मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है, तो हम लोग अपनी अगली वीडियो में उसको भी कैटर कर लेंगे। थैंक यू।